हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसके बारे में सर्वप्रथम रनर्स ने दिया था कि वाटर का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, कौन कौन सा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में दो थ्योरी बहुत फेमस है, ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ये दोनों को हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन इसी तरीके से होता है। लगभग 96% वाटर का एब्जॉर्प्शन आप देखेंगे तो पैसिव मोड में ही होता है, और मात्र 4% वाटर का एब्जॉर्प्शन केवल एक्टिव मोड में होता है। यानी कि ये जो 4% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये नाइट को होता है जब स्टोमेटा क्लोज रहता है, ठीक है। और दिन को सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी 96%। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऑस्मोटिक थ्योरी नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन के केस में ये एक थ्योरी बहुत ही फेमस है जो कि ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ठीक है। तो उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में दो थ्योरी बहुत फेमस है, ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। इसको समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को आपको समझना जरूरी है, जैसे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किस भाग से होता है। तो रूट के जो हेयर्स होते हैं ना, जैसे ये इसका मेन रूट्स हो गया, और इसके जो साइड साइड में छोटे छोटे रूट हेयर होता है, इसी के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब है एक ही सेल का बना हुआ, जैसे कि आप रबर को खींच के लंबा कर देते हैं, तो उसी प्रकार से ये एक सेल है, एक सेल को ही ये खींच के लंबा करके रूट हेयर बन गया है, ठीक है। आप ऐसे कुछ समझ लीजिए। अब ये रूट हेयर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव में ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। और इसमें कुछ एनर्जी जो एटीपी के रूप में इसमें खर्च होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं ऑस्मोटिक थ्योरी बाय एटकिंस। तो पहले सबसे पहले एटकिंस ने इसे दिया था 1916 में, उसके बाद प्रिस्टले ने इसे 1920 में दिया था। अब ऑस्मोटिक थ्योरी ये क्या है, देखिए, सेल सेफ जो है ना, ये रूट शेयर में ज्यादा होने के कारण ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सॉइल वाटर अंदर की ओर मूव करता है, ठीक है। इसको आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि जैसे ये किशमिश है और ये सिकुड़ा हुआ है, आप इसको पानी में डाल के रखेंगे ना तो ये फूल जाएगा। कैसे फूला? क्योंकि इसके अंदर जो सेल सेफ है ना, वो पानी को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके वजह से ये फूल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रूट हेयर भी करता है। रूट हेयर के अंदर क्या है, सेल सेफ रहता है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बाहर के पानी अंदर की ओर आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस ऑफ सॉइल वाटर बोलते हैं। तो आई होप ये ऑस्मोटिक थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग समझते हैं नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। अब देखिए, पहले तो हम लोग समझे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बाहर में कम था और अंदर ज्यादा था, इसके वजह से बाहर से अंदर की ओर पानी आ रहा था। अब क्या अगर मान के चलो बराबर हो जाएगा, या फिर बाहर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और अंदर कम हो जाएगा, तो पानी क्या अंदर से बाहर चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है, है ना। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर ज्यादा हो जाता है ना, फिर भी पानी अंदर आता है। कैसे आता है? उस कंडीशन पे जो है कुछ एनर्जी की खर्च होता है, एनर्जी स्पेंड होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। इसको दिया था थीमैन 1951 में और क्रामर 1959 में दिया था। और ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ये काम करता है, इसको बोलते हैं नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये दो थ्योरी आप ध्यान रखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन के केस में होता है। इसमें भी एनर्जी का स्पेंड जो है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मेथड है पैसिव एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा मेथड है पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसके द्वारा सबसे ज्यादा पानी को पौधा अवशोषण करता है, ठीक है। और ये जो है रात को होता है, सॉरी दिन को होता है, लगभग 96% पानी को इसी विधि के द्वारा पौधा अवशोषित करते हैं।
अब इसमें क्या होता है, ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो इसमें ना कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट में कौन सा काम कर रहा था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जबकि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग में ये काम करता है। इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च नहीं होता है। कैसे नहीं होता है अभी मैं बताऊंगा। और इसमें एब्जॉर्प्शन कंट्रोल बाय ट्रांसपिरेशन, देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे पत्ती से पानी को लॉस करता है इवोपरेट के थ्रू, इसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब यहां से पानी को लॉस करने की वजह से यहाँ पे एक पूल क्रिएट होता है। अब पूल क्यों क्रिएट होता है, पुल का मतलब है ना, बहुत सारे ईटा को आपस में जोड़ दोगे तो पुल हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को ये आपस में है ना, वाटर मॉलिक्यूल आप देखे ही होंगे है ना, अलग अलग नहीं रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है ना एक पुल क्रिएट कर देता है, और इसी पुल के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करेगा, क्योंकि यहां से ये कंटिन्यूअसली वाटर को लॉस कर रहा है, और ये पूल क्रिएट होने की वजह से ये नीचे से कंटिन्यूअसली वाटर ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी के वजह से जो है रूट से, जो सॉइल में जो वाटर है वो डायरेक्ट रूट के थ्रू ये लीफ में जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एसेंट ऑफ सैप है वो भी ऊपर की ओर मूव करता है, किसके कारण, इसी ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी के कारण। ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी समझ में आ गया, और ये किसके वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन के वजह से होता है। ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसी प्रेशर के वजह से ही जो मिट्टी में पानी है वो पानी को ये रूट शियर के द्वारा ये लिफ्ट में पहुंच जाता है। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के एनर्जी की खर्च नहीं होती है। ये ओनली कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। इसीलिए देखिए मैं पहले बोला हूं कि दिन को कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम दिन में ही होता है, टेम्परेचर और स्टोमेटा दिन में ही ओपन रहता है, इसी के वजह से पैसिव एब्जॉर्प्शन दिन में ज्यादा होता है। और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है जिसमें एनर्जी की खर्च होती है वो अधिकतर रात में होती है और बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना वाटर का मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर होता है, ठीक है। लीफ सेल में लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, जबकि रूट शियर में हायर वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल का मतलब है इसमें एनर्जी। तो आप ये बताइए कि जो वाटर का एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, रूट हेयर में होगा, और यहाँ पे लीफ हेयर में कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की वजह से, और ये मूव जाइलम के थ्रू करता है, ठीक है। वाटर का मूवमेंट जाइलम के थ्रू होता है, और इसमें ट्रांसपिरेशन पूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, है ना, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।